नमस्कार। ऊपर आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट अलग अलग वीडियो के दिए हैं। सात्विक भोजन, ओशो के शब्दों में हम सुनेंगे कि सात्विक भोजन किसे कहते हैं। ओशो कहते हैं, सात्विक भोजन हम उसे कहते रहे हैं जिससे एडिक्शन पैदा ना हो। ऐसा भोजन जो सिर्फ शरीर को ऊर्जा देता हो, नशा न देता हो। इस फर्क को ठीक से समझ ले, ओशो कहते हैं, इस फर्क को ठीक से समझ ले। जो शरीर को ऊर्जा देता हो, एनर्जी देता हो, लेकिन नशा न देता हो। जो शरीर को मांग पूर्ति करता हो, लेकिन शरीर में पागलपन पैदा न करता हो। जो शरीर की जरूरत पूरी करता हो, लेकिन शरीर को विलास न बन जाता हो। जिस मात्रा में कोई चीज शरीर के लिए मूर्छा पैदा करती है, उसी मात्रा में आपका अन्नमय कोश विकृत हो जाता है। ओशो कहते हैं, पर हम इतना चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते, हम क्या खा रहे हैं इसकी हमें कोई फिक्र नहीं है। हम क्या पी रहे हैं हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है। भीड़ जो कर रही है, हम भी किए चले जाते हैं। आगे ओशो शुद्ध भोजन के बारे में भी बात करते और बताते कि भोजन शुद्ध कैसा हो। ओशो कहते हैं, भोजन के बाद आलस से नहीं स्फूर्ति आनी चाहिए। यानी स्वाभाविक है, भूख लगी थी फिर भोजन किया तो स्फूर्ति आनी चाहिए, क्योंकि शक्ति उत्पन्न होने का स्रोत भीतर गया। लेकिन आपको तो आलस से आता है। आलस से इस बात का मतलब है कि आपने इतना भोजन कर लिया कि अब शरीर की सारी शक्ति उसको पचाएगी, तो शरीर अपनी सारी शक्ति को खींचकर पेट में ले जाएगा और सब तरफ से शक्ति क्षीण होने से आलस से आ जाएगा। आगे ओशो कहते हैं, तो भोजन स्फूर्ति दे तब सम्यक है। भोजन स्फूर्ति दे तब सम्यक है। भोजन उत्तेजना न दे तब सम्यक है। भोजन मादकता न दे तब सम्यक है। ओशो कहते हैं, तो तीन बातें स्मरण रखिए। भोजन सुस्ती न दे तो वो शुद्ध है, भोजन उत्तेजना न दे तो वो शुद्ध है, और मादकता न दे तो वो शुद्ध है।